अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो निकल के आ रही है सामने नौगांव कानीपुरा से, जहां पर एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे ये सीआईडी ऑफिसर और इनको गोली मार दी गई और इसी हालत में इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इन्हें मुर्दा करार पाया गया। इसी हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आमिर, मजीद तफसीलात के लिए आमिर का रुख करते हैं। जी आमिर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं, तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप मुतारिफ करें कि क्या मसला हुआ था नौगांव में। जी जी, नौगांव में कुछ देर जो है कि खाना खाने के बाद ही, जो कि नमाज होती है, नमाज पढ़ने का वक्त था और सीआईडी अफसर जो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो जूही मस्जिद की तरफ निकले और वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद जूही बाहर निकले और हमलावरों ने जो है हमला कर दिया, जो कि अननोन पर्सन थे, उन्होंने हमला कर दिया। जूही हमला करने के बाद वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए और क्रिटिकल इंजर्ड की हालत में उनको नजदीकी मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल और जूही हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ उनको जो है कि मौत की सूरत में उन डॉक्टर ने पाया। जी, क्या इनकी शिनाख्त हो चुकी है आमिर साहब? आप हमारे नाजरीन को बताएं इनकी शिनाख्त किस नाम से हुई, क्या शिनाख्त हो चुकी है अभी? जी, इनकी शिनाख्त परवेज अहमद डार के नाम से हुई है, जो कि पारिमपोरा श्रीनगर में तैनात थे, पुलिस स्टेशन पारिमपोरा श्रीनगर। जी जी, आप बताएं जिन्होंने हमला किया क्या उनका पता लगाया जा रहा है और ये किस तंजीम ने किया, क्या अभी तक इसके हवाले से कोई खबर सामने आई है? जी उबैद, अभी कुछ नहीं बता सकते, अलबत्ता जो कि है हमलावरों की तलाश अभी जारी है, एरिया अभी कॉर्डन ऑफ है। जी, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और हमारे नाजरीन को इस चीज के लिए अप टू डेट रखिए। जी आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इस खबर के लिए।